दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि आखिर ये स्लीप मोड क्या होता है, क्योंकि कई बार 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 जो है हम स्लीप मोड की चर्चा करते हैं पीसी में, लैपटॉप में, कि मैंने अपने पीसी को स्लीप मोड में डाल दिया। इवन लैपटॉप में और पीसी में स्लीप मोड का ऑप्शन भी होता है, तो कई सारे लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर ये स्लीप मोड क्या है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, स्लीप मोड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पर डालते हैं तो होता क्या है। सबसे पहले जो जितने भी एप्लीकेशन जो आपने ऑन करके रखे हुए हैं, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, अदर एप्स एप्लीकेशन हो गए, या फिर जो है कोई अपने काम किया है, वो सब पेंडिंग ही छोड़कर आपने स्लीप मोड में डाल दिया, तो होता क्या है, जितने भी एप्लीकेशन, फाइल, डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम में चले जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। बट होता क्या है, जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डालते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है। ये पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता, ये बस टेम्पररी ऑफ होता है। आप पावर की बात की जाए तो आपका कंप्यूटर लेस पावर कंज्यूम करेगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर जो है आपने अपने मान लीजिए कि आप टीवी चला रहे हैं, कोई मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब देख रहे हैं, और यूट्यूब वीडियो को अपने पुश कर दिया तो वहां पर रुक गया, कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वो जो आपका स्मार्ट टीवी है या फिर एंड्रॉइड टीवी है, वो एक तरह से उसका जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो लो पावर कंज्यूम करता है। सेम उसी तरीके से हमारे जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें भी जब हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को स्लीप मोड में डालते हैं तो ऐसा ही होता है। जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सब जो है सिस्टम मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद से हमारा मॉनिटर भी स्लीप मोड में चल जाता है, एक तरह से जो है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड को मूव किया या फिर अपने माउस को थोड़ा सा हिलाया, मूव किया, तो तुरंत दोस्तों स्लीप मोड से वो वेकअप हो जाता है, यानी कि जाग जाता है एक तरह से बोला जाए तो। दोबारा से क्या होता है कि वो जो हमारा पीसी है वो दोबारा से बिगिन हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं होती, बस स्लीप मोड इसके लिए है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपने स्लीप मोड में डाल दिया तो इससे आपका जो पावर है जो कंप्यूटर में जो यूज इस्तेमाल हो रहा है वो कम इस्तेमाल होगा और आपका जो है बिजली की बचत होगी एक तरह से, ठीक है। और जैसे ही आप स्लीप मोड पे ओपन करते हैं, मतलब जैसे ही आप स्लीप मोड से निकाल देते हैं अपने पीसी को, तो फिर वो नॉर्मली रहता है। ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं है कोई भी आप फाइल वगैरह है कोई वो सेव नहीं होता, वैसे ही रहता है जैसे आपने छोड़ा था। बात कर लेते हैं यहां पर रिस्टार्ट की। कई सारे लोगों को पता नहीं होता है रिस्टार्ट के बारे में, लोग शटडाउन को ही बस अपने पीसी को शटडाउन करते हैं, उनको पता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करेंगे और शटडाउन का ऑप्शन आता है, शटडाउन कर देंगे, ठीक है। लेकिन रिस्टार्ट के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं होता, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसी वीडियो में रिस्टार्ट के बारे में भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को स्लिप मोड और रिस्टार्ट के बारे में भी पता चल जाए। तो रिस्टार्ट में होता क्या है कि रिस्टार्ट जब हम करते हैं अपने पीसी को, तो सभी एप्लीकेशन, सभी कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट खोले होंगे आपने, जितने भी एप्स खोले होंगे, वो सब जो है क्लोज हो जाता है रिस्टार्ट जब अपने पीसी को करते हैं तो। और जब वो क्लोज हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि आपने वो एक बार जब जैसे ही आप अपने पीसी को रिस्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक बार फिर से आपको रिमाइंडर भी करता है कि भाई ये फाइल आपने सेव नहीं की, इसको सेव कर लो, अदरवाइज वो बोलता है कि भाई अदरवाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो अदरवाइज भी आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो जो आपने सेव नहीं किया था वो अनसेव रहेगा, यानी कि वो हट जाएगा फिर से। तो जब भी आप आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करें तो जो भी अपना जो फाइल है, जो भी फाइल है जो उसमें आपने काम किया, उसको सेव करके रखना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है रिस्टार्ट जब अपने पीसी को करते हैं, अपने कंप्यूटर करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है जब रिस्टार्ट करते हैं तो जितने भी जो हमारा सिस्टम मेमोरी है, जितना भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया है जो भी रहता है, उसको रिफ्रेश कर देता है, यानी कि एक तरह से दोबारा से उसको ओपन करता है। और जैसे ही रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही हमारा पीसी ओपन होता है, एक तरह से रिस्टार्ट होता है, तो हमारा सभी जो एप्लीकेशन है दोबारा से रिफ्रेश होकर ही ओपन होगा। तो जब भी आपको लगे कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है हैंग कर रहा है, उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देंगे तो सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जितने भी एप्लीकेशन है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वो भी रिफ्रेश होकर स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक फ्रेश लुक मिलेगा, एक तरह से नए तरीके से जो है सिस्टम आपका ओपन होगा और काफी सारी जो है जो दिक्कतें थी वो सॉल्व हो जाती है। अब बात कर लेते हैं शटडाउन की। शटडाउन तो एकदम नॉर्मल, आपको पता ही है शटडाउन आप करेंगे तो क्या होगा, शटडाउन करने से आपका पीसी बंद हो जाता है, यहां पर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप अपने पीसी को शटडाउन कर रहे हैं। शटडाउन करने के बाद जब आपका पीसी शटडाउन होता है तो धीरे धीरे वो शटडाउन होता है, आप तुरंत शटडाउन करके तुरंत पावर बटन को ना दबाएं, जब तक आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर
जो है चीजें दिख रही हैं, तब तक आपको अपने पीसी का पावर बटन, जो मेन पावर बटन है, उसको नहीं बंद करना है। इवन अगर आपके पीसी में जो सीपीयू है वो भी कुछ आवाज कर रहा है, तो भी आपको उस आवाज के दौरान अपने पीसी का जो मेन पावर सॉकेट है उसको बंद नहीं करना है, जब तक कि आपके सीपीयू का पूरा पावर ऑफ ना हो जाए, यानी कि साउंड जो आ रहा है वो साउंड बंद ना हो जाए। ठीक है, जब तक वो अपने पीसी का जो सीपीयू होता है वो अगर चालू है, उसमें आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका पीसी भी पूरी तरीके से शटडाउन नहीं हुआ है, तो शटडाउन होगा तो वो पूरा आवाज बंद हो जाएगा। सो ये हमने बात की कि स्लीप मोड क्या होता है पीसी में, इसके अलावा रिस्टार्ट क्या होता है और शटडाउन क्या होता है। वीडियो पसंद आई तो उस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।